हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्वर्सेशन इन हॉस्पिटल, मींस सम सेंटेंसेस विच आर यू कैन यूज़ इन हॉस्पिटल। वैसे भी नॉर्मली भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें बुखार, मुझे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वॉमिटिंग लग रहा है, तबीयत सही नहीं है, सर दर्द है, तो ना सिर्फ हॉस्पिटल में हम ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी बोलते ही हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल में हैं, हमें लीव चाहिए, ऑफिस में है, हमें लीव चाहिए, हाफ डे चाहिए, तभी भी हम इस तरीके से बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ इस आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि सिर्फ हम कॉन्वर्सेशन इस टाइप के हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं, बल्कि ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, इफ़ यू आर नॉट वेल एंड गो टू द डॉक्टर, हाउ विल यू टेल द सिम्टम्स टू द डॉक्टर इन हिंदी। हियर यू कैन लर्न हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन बाय यूजिंग सम ऑफ फ्रेजेस गिवन बिलो बाय एन एग्जांपल। जिस तरह से आप हिंदी में बोलते हो, उस तरह से आपको इंग्लिश में भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th to 10th के लिए आपको डायलॉग राइटिंग आती है, इस तरीके से ही डायलॉग राइटिंग आती है, और ये आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, हेल्पफुल है। और इस तरीके से डायलॉग राइटिंग किस तरीके से लिख सकते हो, बहुत बार आता है, इस तरीके से आपको लिखने के लिए आ जाता है एग्ज़ाम में, तो उस तरीके से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे देखो यहाँ पे मिस्टर खान है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रेड्डी, तो ये एक दिखा रहा है कि मिस्टर खान है जो क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रेड्डी। सो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, आप देख सकते हो। तो डॉक्टर रेड्डी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड टू यू। तो अब यहाँ पे आप डॉक्टर नहीं हो तो आपको तो ये, चलो ठीक है, आपको ये समझना है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं ये क्यों देखूँ, लेकिन होता क्या है कि वो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है वो भी तो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, कि वो क्या बोल रहा है और आपको किस तरीके से आंसर उसका देना है, उस क्वेश्चन को समझ के ही आंसर देना होता है। तो उस क्वेश्चन भी देखना ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें क्या आंसर देना है, उसके रिप्लाई में हमको क्या आंसर देना है। तो अगर आपको इसे पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड टू यू, दैट मीन्स आपको क्या हुआ। सो यहाँ पे आपको बोलना है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मुझे कल से फीवर जैसा लग रहा है, मैं फीवर से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार हुआ है, कुछ भी इस तरीके का मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव फीवर, नॉर्मली है कि मुझे फीवर है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि कल से मुझे बुखार है। सो सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट, सिंस टू डेज, इस तरीके से आप बोल सकते हो, लास्ट टू डेज इस तरीके से बोल सकते हो, आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट टू डेज, दो दिन से मुझे फीवर है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में है उसी का सेंटेंस यहाँ पे हिंदी में भी है। फीवर का यहाँ पे देख लो बुखार है, सफरिंग यानी पीड़ित, यस्टरडे मीन्स कल से, और बाकी सब तो आपको पता ही है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एनी अदर प्रॉब्लम। अब सामने से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो एकदम कॉमन है, कोई भी पूछ सकता है, कहीं पर भी हो आप, ठीक है, तो आपको कोई भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, एनी प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम, कोई और दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम है। सो हिंदी में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप दूसरी प्रॉब्लम बता रहे हैं, आई ऑल्सो फील हेडक एंड वॉमिटिंग। हेडक की स्पेलिंग देखिए, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, वॉमिटिंग दैट मीन्स उल्टी जैसा लग रहा है। आई ऑल्सो फील, मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे हेडक यानी सर दर्द और उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा है। आई ऑल्सो फील हेडक एंड वॉमिटिंग, अगर आपको कोई ऐसे पूछता है, एनी अदर प्रॉब्लम, इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम, सो यू कैन से जस्ट सिंपली, आई ऑल्सो फील हेडक, आई ऑल्सो फील वॉमिटिंग। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बोलेगा, लेट मी फील योर पल्स, चेक योर फीवर, एट दिस टाइम द फीवर इज 101 degrees, डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग सीरियस। ऐसे आपको बोल सकते हैं ना, डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग सीरियस, ये आप भी बोल सकते हो, बहुत बार हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, टेंशन मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है, डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग सीरियस। ओके, आई एम गिविंग यू द मेडिसिन एंड यू विल बी ऑल राइट इन अ फ्यू डेज। तो सेम टू सेम यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है कि मैं तुम्हें मेडिसिन कुछ दे रहा हूँ, कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे, कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और यहाँ का भी मीनिंग यहाँ पे देखो दिया ही हुआ है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, फिर भी मैं बता देती हूँ, लेट मी फील योर पल्स, मुझे अपना तुम मुझे तुम्हारा पल्स यानी नर्व्स चेक करने दो और तुम्हारा फीवर चेक करने दो, इस टाइम तुम्हें 101 degrees फीवर है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लो, डोंट वरी,
कुछ भी सीरियस जैसा नहीं है मैटर। ओके तो फिर सामने अब जो पेशेंट है वो बोलेगा थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोलता है बट गेट योर ब्लड टेस्टेड फॉर मलेरिया एंड कम विद द रिपोर्ट टुमारो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने आप ब्लड टेस्ट करवा लो मलेरिया के लिए। कॉमन है ये, इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं बट गेट योर ब्लड टेस्टेड फॉर मलेरिया, बट गेट योर ब्लड टेस्टेड फॉर मलेरिया एंड कम विद रिपोर्ट फॉर रिपोर्ट टुमारो, और कल टुमारो के कल रिपोर्ट के साथ वापस आओ। ओके यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट के लिए दिया गया है मलेरिया के टेस्ट के लिए दिया, मतलब यहाँ पे मलेरिया टेस्ट के लिए दिया गया है और आप रिपोर्ट के साथ कल वापस से आओ। ओके बट गेट योर ब्लड टेस्टेड, तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया गया है मलेरिया के लिए। ओके डॉक्टर थैंक यू, यहाँ पे आप बोल के रख सकते हो। डॉक्टर रेडी यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 डेज, यू हैव टू टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट करना है, रेस्ट लेना है फॉर एटलीस्ट 3 डेज, कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम 3 दिनों के लिए। ठीक है मिस्टर खान बोलते हैं, यानी पेशेंट बोलता है वुड यू प्रिपेयर अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मी टू सबमिट इन माई ऑफिस। आप डॉक्टर से बोल सकते हो ये बहुत, ये क्योंकि हमको पता है कि ये 3 दिन का हम जब रेस्ट लेते हैं, 3 दिन की छुट्टी लेते हैं, तो हमको 3 दिन के बाद हमको अगर आप बीमारी का बता रहे हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो आप बोल सकते हो ऐसे वुड यू प्रिपेयर, क्या तुम प्रिपेयर कर सकते हो एक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मी, मेरे लिए टू सबमिट करने के लिए इन माई ऑफिस। तो क्या तुम मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर सकते हो मेरे ऑफिस में सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए, सबमिट यानी जमा कर देना, जमा करना। ओ श्योर दिस इज़ योर मेडिकल सर्टिफिकेट, यस ये लो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। सामने से ऐसे बोलेंगे तो हम समझ ही जाएंगे कि क्या बोला जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेल मी हाउ विल आई टेक दिस मेडिसिन, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए हाउ विल आई टेक दिस मेडिसिन, मुझे ये मेडिसिन कैसे लेना है या मैं कैसे लूँगा, टाइमिंग। दिस मेडिसिन इज़ फॉर 2 डे ओनली, बहुत बार लिखा भी रहता है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। टेक दिस डोज एज सून एज यू रीच योर होम, जैसे ही आप अपने घर पर पहुँचते हो वैसे के वैसे ये डोज आपको ले लेना है। एंड द सेकेंड एट 3 PM, और सेकेंड डोज 3 बजे, एंड द थर्ड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, और तीसरा डोज आपको रात में सोने से पहले लेना है, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर यानी पहले, स्लीपिंग यानी सोने से। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, दिस मेडिसिन इज़ फॉर 2 डे ओनली, सिर्फ 2 दिन के लिए मेडिसिन है। दिस मेडिसिन इज़, ये मेडिसिन है फॉर के लिए 2 डे ओनली, सिर्फ 2 दिनों के लिए है। टेक दिस डोज, ये डोज आपको लेना है एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही यू रिच, तुम पहुँचते हो योर होम, अपने घर पर। एंड द सेकेंड एट, और दूसरा डोज एट 3 PM, 3 बजे। एंड द थर्ड, और तीसरा डोज एट नाइट, रात में, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। ओके आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वॉट शुड आई ईट डॉक्टर, मुझे क्या खाना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हम नॉर्मली भी पूछते अपने घर में वॉट शुड आई ईट, मुझे आज क्या खाना चाहिए, लाइक टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, वॉट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए आज, कुछ हल्का, मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। यू शुड ईट ओनली लाइट फूड, देखो यहाँ पे दिया भी गया है, यू शुड ईट ओनली लाइट फूड, हल्का खाना खाना है। यू कैन टेक मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट ऑल्सो, तुम मिल्क ले सकते हो, फ्रेश फ्रूट ले सकते हो। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, टेक यानी लेना, मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट। पेशेंट बोलता है हाउ मच शैल आई पे यू डॉक्टर, ये क्वेश्चन आप किसी को भी पूछ सकते हो जब आप किधर भी जाते हो, शॉपिंग मॉल जाते हो या कहीं पे भी दुकान भी जाते हो, तो इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ मच शैल आई पे यू, यहाँ पे डॉक्टर है तो डॉक्टर लगाना है, वैसे आपको कुछ भी नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा। हाउ मच शैल आई पे यू, इस तरीके से आप बोल सकते हो हाउ मच शैल आई पे यू। ओके हाउ मच शैल आई पे यू, ₹200 ओनली, इस तरीके से बोल सकता है वो, इस तरीके से बोल सकता है 200 ओनली, इस तरीके से बोल सकते हैं ना, 200 ओनली, 500 ओनली, थैंक्स डॉक्टर, इट्स ऑल राइट,
मिस्टर खान, थैंक यू डॉक्टर, आई विल सी यू टुमारो विद माय ब्लड रिपोर्ट, आई विल सी यू, ये तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं, आई विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, हम कल मिलेंगे, विद माय ब्लड रिपोर्ट, मैं अपने ब्लड रिपोर्ट के साथ आपसे कल मिलता हूँ, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म होता है। अब ये जितने भी हमने सेंटेंसेस बोले, हम अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मली भी बोलते हैं, बीमार रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, छुट्टी लेनी होती है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो इस तरीके से नॉर्मल चीज़ें हम बोलते हैं कि हमें छुट्टी लेनी है, मुझे इस तरीके की फीलिंग हो रही है। घर पर भी नॉर्मली ये सारी चीज़ें हम बोलते ही हैं, ओके। सो देखिए, आपको इंग्लिश सीखनी है तो दो प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है शॉर्ट स्टोरीज़ की, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़, वहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, और वो स्टोरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है फिफ्थ टू टेंथ के बच्चों के लिए भी, किड्स के लिए भी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन स्टोरी कंप्लीट करनी है, प्लस उसके साथ आप इंग्लिश भी सीखते जाते हो, वैकेशन है तो आपकी छुट्टियाँ भी बहुत ही अच्छे से निकलेंगी आप स्टोरी सीखते सीखते, ठीक है। और दूसरा एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, उसमें इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हैं, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में आप कैसे इंग्लिश आपको बोलनी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या डाउट है, आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड जा रहा है, एकदम सिंपल से बताइए, या फिर ज़ीरो से स्टार्ट करवाए कि मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, एकदम से ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो कैसे सीखे, उस तरीके की भी आपको मिल जाएगी। इजी इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, जिस तरीके की भी आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट में बताइए। डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हो, और आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, ओके।